हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर रीड किया था, चैप्टर 1, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशंस। सो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। द ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज डैश। यानी कि जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मिंग होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंड दैट इज इनहेरिटेंस, यानी कि अनुवंशिकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट्स हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि आपको दो साइंटिस्ट के नेम बताने हैं जिन्होंने जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकता के फील्ड में अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इसमें फर्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। और सेकंड जो साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने भी इनहेरिटेंस के बेसिस पे अपने लॉज दिए थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। कि हमें जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स मिलती है यानी कि अनुवांशिक गुण जो मिलते हैं, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, वो गुण कहाँ से हमें मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल, पैटर्नल यानी कि आपके पापा के साइड की, आपके फादर के साइड के जो रिलेटिव्स हैं आपके, दीज आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। ऑप्शन बी फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, मैटर्नल यानी कि आपके मदर के साइड के जो पेरेंट्स हैं, आपके नाना जी है, आपकी नानी जी है, दीज आर योर मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ऑप्शन सी फ्रॉम पेरेंट्स एंड ऑप्शन डी फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। सो नो डाउट इसका आंसर होगा फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज आपके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो आपके पेरेंट्स से आते हैं और आपके पेरेंट्स में जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो उनके पेरेंट्स से आते हैं। तो कुछ ना कुछ गुण उनकी जनरेशन से भी आप में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर रिलेशन विद योर मदर्स सिस्टर। यानी कि आपका आपकी मदर की सिस्टर के साथ में क्या रिलेशन है। तो शी इज योर मैटरनल आंट, यानी कि वो आपकी मौसी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंसेस है। तो इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिव। यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो एक स्मॉल यानी कि छोटी फैमिली होती है जिसमें फादर, मदर एंड उनके चिल्ड्रन रहते हैं। बट अ जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट लिव टुगेदर अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है वो बड़ी फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट अपने बच्चों के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अर्लियर इन जॉइंट फैमिली, पहले के टाइम पे क्या था, फैमिली जॉइंट थी तो उसमें क्या था, मेंबर ऑफ फैमिली वर हाई। ओके, तो नंबर ऑफ फैमिली वर हायर एंड ऑल यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। यानी कि घरों में या परिवार में क्या था कि मेंबर्स ज़्यादा होते थे तो वो साथ में मिलकर सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। बट इन न्यूक्लियर फैमिलीज ओनली लिमिटेड मेंबर्स सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, 4 to 5 or 3 to 4, तो ये इतने ही जने मिलकर या इतने ही लोग मिलकर आपस में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। एंड नाउ डेज रिलेटिव्स कैन नॉट रेगुलरली विजिट अदर फैमिली मेंबर्स। और आजकल क्या हुआ है कि सभी के पास में टाइम की शॉर्टेज हो चुकी है, बिकॉज उनके स्केड्यूल्स ऐसे बन चुके हैं कि दे कैन नॉट मेक टाइम फॉर अदर्स। तो इसकी वजह से वो रेगुलरली अपने रिलेटिव्स को विजिट भी नहीं कर पाते।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज बनने के रीजंस क्या है। तो एज वी रेड इन चैप्टर, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन फैमिलीज माइग्रेट टू द सिटीज, यानी कि जब आपको नया ऑक्यूपेशन चाहिए होता है या फिर एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है या फिर हायर स्टडीज़ होती है यानी कि कॉलेज की जो स्टडीज़ होती है उनकी फैसिलिटी विलेजेस में कम होती है एक्सपेक्ट देन सिटीज़, तो क्या होता है फैमिलीज जो है वो सिटीज़ में माइग्रेट करती है, यानी कि विलेज से सिटी में आती है, वहाँ स्टे करती है। इस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज़ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिलीज ड्यू टू हाई नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स और इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं तो वो कई बार कुछ रीज़न से उनके बिहेवियर्स की वजह से या हैबिट्स की वजह से कोऑपरेट नहीं कर पाते और इस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ अडोप्शन, अडोप्शन यानी कि गोद लेना। सो लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडोप्शन, यानी कि जब एक बच्चे को पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को देते हैं विद लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि कानूनन रूप से सारी अथॉरिटी दूसरे पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो प्रोसीजर क्या होता है अडोप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस यानी कि अनुवंशिकता क्या है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज इनहेरिटेंस, यानी कि करेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर उसे हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ लास्ट, व्हाट आर हेरिडिटरी करेक्टर्स, यानी कि जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। द फिज़िकल करेक्टर्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम दियर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो फिज़िकल करेक्टर्स यानी कि जो रिसेम्बलेंस में मैंने आपको बताया था कि कोई आपको आपके फिज़िकल करेक्टर्स यानी कि आईज नोज इन सब के बेसिस पे जब आपको कोई पहचानता है आपको किसी और से सिमिलर उनको आपको किसी और के सिमिलर बताता है दैट इज़ योर रिसेम्बलेंस, और वो जो करेक्टर जिन बेसिस पे वो बताते हैं वो करेक्टर क्या है आपके हेरिडिटरी करेक्टर्स। आई होप आपको सही समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।